शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। अखबार में शादी का विज्ञापन देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने दो महिलाओं सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पीथमपुर थाना सेक्टर 1 के अंतर्गत पिछले दिनों एक फरियादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से फर्जी मैरिज ब्यूरो ठगोड़ों ने शादी का झांसा देकर करीब 1,00,000 रुपए ठग लिए हैं, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को छत्तीसगढ़ पहुंचकर गिरफ्तार किया है। पुलिस की जानकारी के अनुसार फरियादी अतुल तिवारी ने अखबार में मैरिज ब्यूरो के नाम से विवाह संबंधी विज्ञापन देकर फोन किया तो एक महिला रोशनी नामक निवासी मानिकपुरी से दोस्ती हो गई। करीब 6 माह तक रोशनी मानिकपुरी ने शादी का झांसा देकर 1,00,000 रुपए से अधिक ठग लिए। इस टीम के मास्टरमाइंड मुकेश पिता रेशम लाल वर्मा को बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय धार पेश कर जेल भेज दिया है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर, ये शादी के नाम से इश्तिहार देते थे और फिर ठगी करते थे, सर क्या है पूरा मामला? ये अतुल तिवारी नाम के व्यक्ति ने करीबन 9 महीने में थाने पर एक लिखित आवेदन देकर कंप्लेन की थी कि उसके द्वारा दैनिक भास्कर में रियाज मेट्रोमनी नाम से एक एड देखकर उनसे संपर्क किया गया था शादी के लिए। तो वो बिलासपुर में उनका ऑफिस था, तो उनसे संपर्क किया तो उसकी रोशनी नाम की लड़की से बात हुई और उसने इससे 4,500 रुपये शादी के रजिस्ट्रेशन के जमा कराए थे। उसके बाद फिर इसने एक लेखनी नाम के लड़की का नंबर दिया जो कि खुद ही थी और उससे बात करती रही कि हाँ भाई मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ऐसा वैसा इनकी बात होने लगी। इनकी 3-4 महीने बात चली। इस बात के दौरान वो लड़की ने कभी अपने पिता की बीमारी, कभी माता की बीमारी और अलग अलग नाम से इस लड़के से लगभग 1,50,000 रुपये उसके अकाउंट में जमा करवा लिए थे और कुछ समय तक वो बात करती रही, बात करना बंद कर दी। जब इसको पता, बात करना बंद कर दी तो इसको समझ में आया कि यार ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो इसने थाने पर कंप्लेन करी थी। इसकी कंप्लेन पर 420-34 का अपराध कायम किया गया था और अपराध कायम करने के बाद से ही उन खाते नंबरों में जिसने इसने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, वो जिन मोबाइल नंबरों पर इसकी बात चल रही थी, उनको ट्रेस किया गया था और SP सर, एडिशनल SP साहब और CSP साहब के मार्गदर्शन में हमने इसकी एक टीम तैयार की और स्ट्रेटेजी बनाई और इनके खातों की जानकारी निकालकर इनको सबको ट्रेस करके तीन आरोपियों को पकड़ा। सर, तीनों आरोपियों में महिलाएं भी हैं? इसमें 2 महिलाएं हैं और एक मनीष वर्मा नाम का लड़का है जो इस मेट्रो मनी साइट का ऑफिस चलाता था और ये दोनों लड़कियां इसके यहाँ काम करती थी। और इनके खिलाफ बिलासपुर में जब हमारी टीम गई थी तो वहाँ पर भी पता चला, वहाँ बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में भी इनके खिलाफ अपराध कायम है और शादी कराने की और पैसे से संबंधित इनकी वहाँ पर भी काफ़ी शिकायत है। अभी फिलहाल सर जेल सलाखों के पीछे हैं? हाँ, इन सबको कोर्ट में पेश किया था, वहाँ से ये जेल गए। ठीक है, आपका नाम बता दें आपको पता। लोकेश सिंह भदौरिया, TIC। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।